स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारा YouTube चैनल सक्सेस की तलाश में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास आया है एक कलर टीवी और इसमें प्रॉब्लम है इस लाइन का। दोस्तों CRT टीवी में इस लाइन का प्रॉब्लम होने का कोई एक कारण नहीं है, 50 से भी अधिक कारण हो सकता है। तो आज की इस टीवी में कौन सा कारण है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों रिपेयरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं माइनस वाला पार्ट को ग्राउंड कर लेता हूँ। एज लाइन आ रहा है इसका मतलब यह है दोस्तों पावर सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक नहीं करेंगे। और इसको दोस्तों मीटर को मैं रख दिया हूँ 200 के DC के रेंज में। अब दोस्तों स्विच को करता हूँ ऑन और मैं जहाँ प्रॉब्लम आता है वहीं पर इलाज शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आता है वर्टिकल IC से, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्टिकल IC का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पास चेक करते हैं दोस्तों 30 वोल्ट आ रहा है। ये अल्ट्रासिम का किट है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा वोल्टेज 29-30 वोल्ट एक्स्ट्रा रहता है, मतलब 1-2 वोल्ट एक्स्ट्रा रहता है। और यहाँ पास चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ते क्रम में है वोल्टेज 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ के वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कभी कभी तो दोस्तों आ ही नहीं रहा है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चिंगारी आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला वोल्टेज हमारा, ये वाला पिन शायद ओपन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको सॉल्डिंग करके देख लेते हैं हमारा समस्या का समाधान होता है क्या। तो दोस्तों मैं ये तीनों पिन को सॉल्डिंग कर देता हूँ, एक के साथ दो फ्री। तो एक बार फिर से टीवी चालू करते हैं दोस्तों और फिलहाल तो मैं ही देख लेता हूँ डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम जैसे का तैसा बना हुआ है और अभी भी इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा है, 24-25 वोल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग IC का हीटिंग चेक करेंगे। यहाँ पर उंगली रखेंगे, यहाँ पे करंट नहीं मारता है अगर पैर ज़मीन से ऊपर हो। तो आप भी टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो पैर ऊपर रखिए ज़मीन से, अपने चेयर पे उठा कर रख लीजिए अपने पैर को, फिर छू लीजिए, यहाँ पे कोई करंट नहीं रहता है। और देख सकते हैं दोस्तों इसमें इतना हीटिंग है कि मेरा हाथ जलने लगा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वर्टिकल IC ख़राब है। तो यहाँ का वर्टिकल IC सबसे पहले मैं चेंज कर दूँगा। और वर्टिकल IC दोस्तों इसका कामर रहता है 78040, किसी किसी से अल्ट्रा स्लिम के किट में 78041 लगा रहता है, लेकिन उसके जगह हम लोग 78040 लगा देंगे, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों 78040 और 78041 और 93-02A और 93-02B ये सब एक ही IC है दोस्तों। कभी आप 93-02 का IC देखेंगे वर्टिकल IC, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ एडवांस में। किसी किसी में लगा रहता है, पहले आता था, आजकल तो सब 78040 ही लगा रहते हैं। और ये दोस्तों 7 पिन का रहता है IC और इसको ऑन होने के लिए 27 वोल्ट DC वोल्ट चाहिए रहता है और चाहिए रहता है इसको सिग्नल, 13-14 वोल्ट भी ज़रूरत रहता है दोस्तों। और ये वाला IC को हम लोग मीटर में चेक नहीं कर सकते, इसको हमको बदल कर देखना रहता है। तो IC को मेरा डायरेक्ट बदलने का कारण एक था दोस्तों कि IC जो है ओवर हीट हो रहा था, और ओवर हीट होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि IC ख़राब हो चुका है, इसलिए वो हीटिंग कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला IC लगा था, इसका नंबर है 78040 और इसकी जगह हम लोग सेम IC लगाएंगे 78040। तो चलिए इसको लगाने के बाद दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं वर्टिकल IC लगा दी हूँ, इसको सॉल्डिंग कर देता हूँ। तो सॉल्डिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको पिन को मैं टेढ़ा कर लिया हूँ और दोस्तों यहाँ पे अच्छे से सॉल्डिंग लगाना है आपको। और ये भी ध्यान देना है आपको कि ये वर्टिकल IC आपस में शॉर्ट ना हो, नहीं तो दोस्तों आप बनाने चले थे इस लाइन का फॉल्ट और प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें दूसरा, फिर ढूंढते रह जाएंगे। कई बार होता है दोस्तों हम टीवी खोले जरूर रहते हैं दूसरा प्रॉब्लम के लिए और हमारे ही गलती की वजह से
कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका कारण यही है कि हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करते, हम लोग जल्दीबाजी करते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप भी। तो चलिए दोस्तों, इसको तो मैं कर लिया हूँ सॉल्डिंग, अब हम लोग वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ कि नहीं। वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों मैं ग्राउंड कर लिया हूँ मीटर के पार्ट को, अब पावर से सप्लाई को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से वोल्टेज चेक कर देता हूँ पहले जैसे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें 28 वोल्ट आ रहा है, यहाँ तो पहले भी आ रहा था दोस्तों। मज़े की बात यह है कि इसमें आना चाहिए 28 वोल्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब यह है कि डिस्प्ले भी बनेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्प्ले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें सफलता मिला है या भी नहीं, यह हमारा भी दिल्ली अभी दूर है। तो चलिए दोस्तों मैंने पावर को कर दिया हूँ ऑन और देखते हैं डिस्प्ले में हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें तोशिबा लिख के आ रहा है और किट टीवी तो है सनसुई का, इसका मतलब यह है कि इसमें नया किट लग चुका है। और चलिए दोस्तों इसमें हम लोग अब ऑडियो वीडियो लगा कर देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है। तो वर्टिकल आईसी से संबंधित प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ का वोल्टेज चेक कर लीजिए, 2 नंबर और 6 नंबर दोनों का वोल्टेज सेम रहना चाहिए, 1 वोल्ट कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल आईसी में कोई दिक्कत है या वहाँ से डायोड लग रहता है उसमें कोई दिक्कत है। और अगर दोस्तों आप वर्टिकल आईसी हीटिंग कर रहा है तो आप बिना सोचे समझे आप वर्टिकल आईसी को बदल दीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कंटिन्यू तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सीआरटी टीवी के सभी प्रकार के प्रॉब्लम का समाधान मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तभी आपको सभी वीडियो दिखेगा आने वाला वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।